पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का राक्षस कहर बरपा रहा है और इस वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लगभग 1,03,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस वक्त कोरोना इटली, ईरान, स्पेन और फ्रांस में कहर बरपाने के बाद अब ये वायरस ब्रिटेन और अमेरिका में वज्रपात बनकर टूटा है। मौत के आंकड़े के सारे रिकॉर्ड अमेरिका में टूट गए। वहीं न्यूयॉर्क में अभी तक कोरोना वायरस से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो न्यूयॉर्क शहर में मरने वालों में 100 से अधिक पाकिस्तानी भी शामिल है, जबकि पूरे पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 78 लोगों की जान गई है। बीते शुक्रवार अमेरिका के लिए अब तक का सबसे घातक दिन साबित हुआ, जब अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यूएस में आधा मिलियन से ज्यादा लोगों को वायरस ने प्रभावित किया है। पाकिस्तानी न्यूज डॉन की माने तो अब तक वायरस ने दुनिया भर में लगभग 1.7 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका वो देश बन गया है जहां कोरोना के सबसे अधिक रोगी पाए गए, जहां पर एक दिन में ही कोरोना से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानियों के मौत का आंकड़ा काफी बड़ा है, जबकि उनके देश पाकिस्तान में यह आंकड़ा काफी कम है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस गहरी चोट से कब तक उभर कर सामने आता है और कितनी जल्दी अपने हुए नुकसान की भरपाई करता है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब इसका आकलन किया जाएगा। फिलहाल तो अमेरिका पर कोरोना वायरस की काफी मार पड़ रही है।